हेलो पॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं रागा और पैंथर से। तो जैसे ही कल मैंने आप लोग को बताया था कि इनका जो गलत कर्म ट्रैक है उससे रिलेटेड अभी एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। तो ये चीज अभी पैंथर और रागा को भी पता चल चुकी है। तो पैंथर अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे लिखता है, कंट्रोवर्सी हो गई है, सोच रहा हूँ ये प्रोफाइल पिक्चर लगा लूं। साथ ही रागा भी अपनी स्टोरी में गलत कर्म ट्रैक ऐड करते हैं। तो बात कर लेते हैं कर्मा के बारे में। तो कर्मा का भी भगवान ट्रैक आउट हो चुका है और अभी इसको काफी सही रिस्पॉन्स आ रहा है क्योंकि काफी पर्सनल बातें यहाँ पे कही है कर्मा ने इस ट्रैक में। तो जाके जरूर सुनना, बहुत ही सही ट्रैक है। तो अब बात कर लेते हैं मेरे बारे में। तो मेरी भी अभी ईपी ड्रॉप हो गई है जिसका नेम है न्यू बी ईपी। तो 3 ट्रैक्स है इसमें, तो इसका भी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अच्छी लगती है तो शेयर करना, बाकी सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, तो इंस्टाग्राम पे भी आप लोग इसको यूज कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं एमीवे के बारे में। तो एमीवे का भी डब्ल्यू ट्रैक आउट हो चुका है म्यूजिक वीडियो के साथ में। तो ये ट्रैक भी एक सबलिमिनल डिस ही कह सकता है जो कि है कृष्णा के लिए। तो कैसा लगा आप लोग को ये गाना बताओ जरा। तो अब बात कर लेते हैं सुमा योकी और डिवाइन के बारे में। तो डिवाइन जो है वो सुमा योकी की मदर से मिले। तो सुमा योकी एक स्टोरी डालता है कुछ ऐसी, माय मॉम मीटिंग माय गोट डिवाइन। तो बात कर लेते केडिन शर्मा के बारे में। तो केडिन जो है वो उदय के बारे में बात करता है। मतलब असल के अभी तक जितने भी सीजन हुए उसका पहला यंगेस्ट आर्टिस्ट टू विन द शो। तो मैसेज वगैरह कुछ है नहीं मेरे पास उसको देने के लिए, उसको सब मालूम है। तो जो अभी तक यू वेर डूइंग वही करते जाओ और कुछ भी नहीं है। एंड मेरे से छोटा है लेकिन मैं उससे बहुत कुछ सीखा। तो बस जो अभी तक कर रहे थे वही करते जाओ। एंड आर्ट बात करता ब्रो, मतलब That's it. आर्ट की और हिप हॉप की रिस्पेक्ट करो प्लीज। बायस्ड मत रहो एक जने को लेके, मेरे को लेके भी नहीं। कोई भी आर्टिस्ट कुछ भी कर रहा, अगर तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज उसको बेकार मत बोल दो, क्योंकि ये थोड़ा डीप हो जा रहा। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि समझ से परे जो चीज रहती वो बेकार ही लगती शुरू में, पर वो बेकार रहती नहीं। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज कम है तो उसको बढ़ाओ। और जितने भी आर्टिस्ट है सबको सपोर्ट करो, ऐसा नहीं कि इन्हें मेरा फेवरेट है तो सिर्फ मैं इसी के लिए वो करता हूँ। तो तुम अगर मेरे फैंस है लेकिन तुमको अगर दूसरे लोग भी पसंद है तो सबको सपोर्ट बताओ। सो रिस्पेक्ट एवरी आर्टिस्ट, रिस्पेक्ट हिप हॉप कल्चर, दैट्स व्हाट आई वांट टू से टू ऑल माय फैंस। इसके अलावा एमसी हेडशॉट का फ्लाई ट्रैक आउट हो गया है, तो ये भी आप लोग जाके सुन सकते हो। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।